हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तव में एक एथिकल हैकर की सैलरी इंडिया में कितनी होती है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा। जब आप हैकर शब्द सुनते हैं तो आप सोचते होंगे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्कीम के पीछे इन फेमी चीजें कर रहा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एथिकल हैकर्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने स्किल्स का उपयोग कर उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रणाली की रक्षा करने के इरादे से करते हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। उन्हें व्हाइट हैट हैकर्स या पेंटेस्टर भी कहा जाता है, जो इन दिनों शानदार सैलरी पैकेज कमाते हैं। तो बात करते हैं कि एथिकल हैकर होते कौन है। एक एथिकल हैकर एक स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो किसी संगठन में सिस्टम में सेंध लगाने के लिए एम्प्लॉयड होता है, जैसे कि एक हैकर करता है। यह सिस्टम में संभावित खतरों और बगों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं कि एथिकल हैकर काम कैसे करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक एथिकल हैकर कानूनी और नैतिक रूप से सिस्टम को हैक करता है। ये परफॉर्म करता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसको VAPT भी कहा जाता है। खुले और बंद पोर्ट्स के लिए स्कैन करता है, सुरक्षा खामियों और उन क्षेत्रों की पहचान कर जिन्हें उच्च सुरक्षा की आवश्यकता होती है। संभावित कमजोरियों का पता लगाने के लिए नेटवर्क को स्निफ करना, सोशल इंजीनियरिंग, वायरलेस एन्क्रिप्शन को क्रैक करना आदि जैसे रणनीतियों को एम्प्लॉय करता है। कमजोरियों और खतरों को कम करने के लिए नई रणनीति विकसित करता है। तो अब बात करते हैं एथिकल हैकर्स की सैलरी इंडिया में क्या होती है। भारत में सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसको CEH भी कहा जाता है, उसको काफी आकर्षक पेरोल दी जाती है। आपका एक्सपीरियंस काफी हद तक आपका पेरोल को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपको अधिक पे किया जाएगा। पे स्केल के हिसाब से फ्रेशर्स के लिए भारत में सर्टिफाइड एथिकल हैकर का वेतन 3.5 लाख पर एनम से शुरू होता है। भारत में एक एथिकल हैकर का औसतन वेतन 29,000 और 41,000 पर मंथ के बीच होता है। अब बात कर देंगे एथिकल हैकर सैलरी इन इंडिया। तो हैदराबाद में आपको 7,50,000 पे स्केल पर ईयर दिया जाता है, बैंगलोर में आपको 4,54,000 दिया जाता है, चेन्नई में आपको 5,50,000 दिया जाता है और दिल्ली में आपको 6 लाख दिया जाता है। वैसे और कोची में भी 5,85,959 पर ईयर दिया जाता है और पुणे में भी आपको 3,97,317 दिया जाता है। गुड़गांव में आपको 3,40,000 दिया जाता है और मुंबई में आपको 3,95,479 दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं एथिकल हैकिंग कंप्लीट रोडमैप पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।